गाइस, हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोला करते हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को जिसकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, आना होता तो आ चुकी होती, करना होता तो कर लिया होता, बताना होता तो बता चुकी होती, जाना होता तो जा चुका होता, अगर उसे देना होता तो दे दिया होता, अगर तुम्हें पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, अगर हमें खाना होता तो खा लिया होता, अगर मुझे भागना होता तो भाग चुकी होती, जवाब देना होता तो जवाब दे दिया होता, अगर मुझे पैसे चुराने होते तो पैसे चुरा लिए होते। तो गाइज, हम लोग काफी बार अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज किया करते हैं, बोला करते हैं। आइए जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं। गाइज, इन सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, होता तो, और सेकेंड सेंटेंस इसमें डबल सेंटेंस है, और सेकेंड सेंटेंस में है चुकी होती, लिया होता। तो होता तो के लिए हम यूज करेंगे हैड टू प्लस वी वन। होता तो के लिए आप क्या यूज करेंगे? हैड टू प्लस वी वन। एंड सेकेंड सेंटेंस में दिया हुआ है चुकी होती, चुका होता, लिया होता, दिया होता, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वी थ्री। ओके, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको क्या करना है, इफ का यूज करना है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू, हैड टू प्लस वी वन, देन ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद आपको गाइस कमा का यूज करना होगा, उसके बाद फिर से आपको सेकेंड सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ओके, वुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, फिर आपको सब्जेक्ट देना है क्योंकि डबल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को और भी बेहतर तरीका से समझने के लिए इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे क्या होगी, आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज जयनगर मैडम एंड यू आर वॉचिंग ऑन मी जयनगर मैडम। हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। इन टूडेज क्लास आई एम गोना टीच यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, एंड टूडे इज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 83। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, आना होता तो आ चुकी होती। इस सेंटेंस का मतलब है, अगर उसे आना होता तो आ चुकी होती, अगर उसे आना होता तो आ चुकी होती। तो इसमें अगर ये सब क्या है, अंडरस्टूड है, हिडन है, साइलेंट है, बट जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट को शो करना पड़ेगा, इफ का भी शो करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफ का यूज करना है। अगर सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन है, जो कि अंडरस्टूड है, इफ इफ देन सब्जेक्ट उसे है, क्योंकि यहां लास्ट में देखिए चुकी होती लड़की है, तो सी का यूज करेंगे। देन हैड टू का यूज करना है, हैड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, कम, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है,
तो नहीं यूज करेंगे, कमा का यूज कर देंगे। ओके, फिर सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है। आ चुकी होती तो लड़की है तो सी का ही यूज होगा, पता है ना ये चीज आपको, सी देन वुड हैव, वुड हैव प्लस वी थ्री। आ चुकी होती तो आना की इंग्लिश होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होता है कम। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो नहीं देंगे, रहता तो यहां पे आ जाता। इफ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम, इफ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम। गाइज आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते ही चलना है इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रही हूं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी जल्दी इम्प्रूव होगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। करना होता तो कर लिया होता, इफ। गाइज इस सेंटेंस का मतलब है अगर मुझे करना होता तो कर लिया होता, ठीक है। तो इसमें आई सब्जेक्ट है जो कि क्या है, अंडरस्टूड है, तो क्या हो जाएगा आई, इफ आई हैड टू, करना की इंग्लिश डू, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है कमा डालेंगे, देन फिर सब्जेक्ट क्या है आई है, आई वुड, आई वुड हैव, डू का डन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में डन। इफ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन, इफ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन। तो गाइज आज की क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगी, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक समय पर पहुंचती रहेगी। तो गाइस ऐसे ही मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आई होप कि आप जरूर बने रहेंगे। बताना होता तो बता चुकी होती, मतलब अगर उसे बताना होता तो बता चुकी होती, इफ, इफ सी हैड टू, बताना का इंग्लिश टेल, बता चुकी होती, सी वुड हैव टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है टोल्ड, इफ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड, इफ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड। जाना होता तो जा चुका होता, मतलब अगर उसे जाना होता तो जा चुका होता। इसमें गाइस लड़का है तो इसमें ही का यूज करेंगे, इफ ही हैड टू, जाना की इंग्लिश गो, इफ ही हैड टू गो जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन, इफ ही हैड टू गो he would have gone, if he had to go he would have gone। अगर उसे देना होता तो दे दिया होता, if he had to, देना give, if he had to give he would have given,
If he had to give, he would have given. If he had to give, he would have given. अगर तुम्हें पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता. If you had to read, you would have read. Read का थर्ड फॉर्म रेड होता है. हम रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे. ओके, रीड का रेड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ओके, इफ यू हैड टू रीड यू वुड हैव रेड. इफ यू हैड टू रीड यू वुड हैव रेड. अगर हमें खाना होता तो खा लिया होता. इफ वी हैड टू eat, we would have it का eaten. If we had to eat, we would have eaten. If we had to eat, we would have eaten. अगर मुझे भागना होता तो भाग चुकी होती. If I had to run away, भागना के इंग्लिश run away, I would have run away. If I had to run away, I would have run away. Run का थर्ड फॉर्म रन होता है. ओके, इफ आई हैड टू रन अवे आई वुड हैव रन अवे. नाउ गाइज, अब दो सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. आपका सेंटेंस है, जब आप देना होता तो जवाब दे दिया होता. इस सेंटेंस का सेंस देखिए क्या है. अगर मुझे जवाब देना होता तो जवाब दे दिया होता. या फिर सेकेंड पर्सन को भी आप इसमें सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं. जैसे अगर उसे जवाब देना होता तो जवाब दे दिया होता. ओके, आपको जिसको सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे आप उसको बना सकते हैं. आई को भी बना सकते हैं, ही को भी बना सकते हैं. ओके, ये आप पे डिपेंड पड़ता है. अगर मुझे पैसे चुराने होते तो पैसे चुरा लिए होते. गाइज, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे. तो गाइज, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर आप तक पहुंचती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.